और खबर रायपुर से, जहां पर 4 दिवसीय छठ पूजा का पर्व शुरू हो चुका है। शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देंगी महिलाएं, उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत का होगा समापन। घाटों पर जाएगी पूजा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हेमंत। हेमंत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर छठ पूजा को लेकर के की गई हैं? हाँ देखिए ऋतु, छत्तीसगढ़ में भी छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आसाम महादेव घाट पर जो महिलाएं हैं वो डूबते सूरज को अर्घ्य देंगी। यहाँ पर मैं पीछे कैमरामैन को बोलूंगा तस्वीर वो दिखाए। यहाँ पर व्यापक तौर पर तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर घाट के किनारे पर केले के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। तैयारियां यहाँ पर चल रही है और इसके अलावा यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन होगा। बड़ा पवित्र पर्व है और बड़े धूमधाम से छत्तीसगढ़ में भी इसे मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ आयोजक समिति के सदस्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कितनी तैयारियां उन्होंने इस बार की है। छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भूपेश बघेल भी आज शाम को आएंगे, सब तमाम जो राजनीति के दिग्गज हैं यहाँ पर रहेंगे। कितनी तैयारियां की गई है इस बार? इस बार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी जोर शोर से छठ महापर्व मनाया जा रहा है। करीब 20 से 25,000 की संख्या में जो लोग आके सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और साथ में और भी मंत्रिमंडल के सहयोगीगण उपस्थित हो रहे हैं। ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि छठ एक ऐसा पर्व है जो समरसता का सबसे अच्छा पर्व है, जो सभी जाति धर्म भूल करके सब एक साथ पूजा करते हैं, जिसमें कोई पुरोहित नहीं होता है, स्वयं को पूजा करनी होती है, स्वयं को सूर्य को अर्घ देना। ये अपने आप में एक अलग माने छठ महापर्व है जो कई विशेषताओं को लेके अनेकता में जो एकता दिखती है बहुत अच्छा मतलब इसमें लगता है। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या रूपरेखा बनाई है आप लोगों ने? रूपरेखा में आप देख रहे होंगे उधर मेडिकल टीम के लिए पंडाल तैयार हो रहा है, फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद रहेगी, आतिशबाजी का यहाँ पे शाम को अर्घ के समय प्रोग्राम है और देश की प्रसिद्ध लोक गायिका देवी यहाँ परफॉर्म करेगी। संध्या 4 बजे से उसके लिए स्टेज सज रहा है और महाभंडारे का रात को प्रोग्राम है। यात्रियों के लिए देख रहे होंगे जो बाहर से लोग आते हैं उनके सोने बैठने का इंतजाम किया गया है। घाट पे तमाम तैयारियां लाइटिंग से लेके और पंडाल वगैरह की व्यवस्था की गई है। केले का विशेष महत्व होता है किसी भी सनातनी पूजा हिंदू में पेड़ लगाने का शुभ माना जाता है। पूरे घाट को केले के पेड़ से सजाया गया है। आप देखे होंगे 50-60 लोग सीढ़ियों को जहां घाट है जहां दौरा रखना है वहां रंग रोगन में लगे हुए हैं कल से परसों से। इसके पहले यहां सफाई का काम चला, अभियान चला, हारून मुक्त गंदगी मुक्त किया गया। और छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट की ओर से मैं सब प्रदेशवासियों को सारे प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके माध्यम से सबको आज शाम को 4 बजे महादेव घाट पे पूरे छत्तीसगढ़ को रायपुर को आमंत्रित करता हूं। सारे लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं यहां पे। क्या अनुमान लगाया है आप कितनी भीड़ इस बार होगी? छुट्टी 3 दिन लगातार है जी। पिछले साल हम लोगों ने 15 से 17 हजार की भीड़ यहाँ पे देखी थी, उसके अनुमान से लग रहा है ऐसा कि इस बार छठ की छुट्टी भी है आज, कल भी राजोत्सव का छुट्टी था और कल भी संडे है, कल भी छुट्टी रहेगा। 3 दिन की छुट्टियों को देख के ऐसा लगता है कि इस बार 5 से 7 हजार लोग पिछले बार से बढ़ेंगे और ये संख्या 22 से 25 हजार होगी यहाँ पे और लोग इसका आनंद लेंगे इस महापर्व। तो ऋतु, इस महापर्व के लिए व्यापक तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। अब भगवान सूर्य को यहाँ पर आराधना उनका किया जाएगा, जो व्रत धारण महिलाएं हैं वो यहाँ पर सूर्य को अर्घ देंगी, तो एक बड़ा महत्व इस महापर्व का माना जाता है और उसी के आधार पर आज ये महापर्व राजधानी रायपुर में भी मनाया जाएगा। हेमंत, हम देखें यहाँ पर तो सूर्य डूबेगा तब जाकर के अर्घ देंगी महिलाएं, वहां पर काफी तादाद में महिलाएं पहुंचेंगी जैसा कि उन्होंने बताया, तो घाट पर और क्या क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि हम देखें शाम का समय होगा, अंधेरा होने को आएगा, तो ऐसी क्या तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं? वहां पे बच्चे भी पहुंचेंगे, महिलाएं भी पहुंचेंगी।
देखिए आयोजक समिति के साथ साथ जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई है किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, क्योंकि घाट के किनारे पर यहाँ पूरा जो आयोजन है वो होगा, तो किसी प्रकार की दुर्घटना या घटना ना हो इसके लिए यहाँ पर हमेशा जो गोताखोर है वो उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की टीम है, एसटीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो व्यापक तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर तैयारियां की गई है, खासकर की जो महिलाएं हैं, क्योंकि सूर्य को जो अर्घ है वो अर्घ दान महिलाएं देंगी और आधे कमर पानी में जाकर ये पूरी जो शिव की सूर्य की आराधना है वो यहाँ पर की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उस लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। लाइट यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लगाई जा रही है, क्योंकि शाम का समय है और अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए लाइटिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर पूरी की गई है। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर खासे इंतजाम किए गए हैं और उसी सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर महापर्व मनाया जाएगा। चलिए हेमंत, लगातार आप नजरें बना रखिए, शाम को भी आपसे अपडेट्स लेंगे और जाने की कैसा उत्साह वहां पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।